अलर्ट पाकिस्तान के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज 8 मार्च है, तो आज औरत डे है। तो लाहौर में लाइव नज़र भी दिखाए जा रहे हैं औरत डे के। ये सिर्फ वही बाहर निकले हैं जो गंदी औलादे हैं, जिनके माँ बाप ने उन्हें उनकी तरबियत नहीं की। ये वही लोग बाहर निकले हैं जो अपने माँ बाप का अदब नहीं करते, उनके हया नहीं करते, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं करते। ज़हीर सियालवी का भी ये बयान आया था कि हमने औरत डे नहीं होने देना, हम इनके मुकाबले पे खड़े होंगे। तो उनका भी ठीक था, ज़हीर सियालवी ने भी ये बात की कि औरत डे होना भी नहीं चाहिए। किस वजह से, हमने कौन सा इन्हें बांध के रखा हुआ है, या हम कौन सा इन पे तशद्दुद करते हैं, या कौन सा जुल्म करते हैं, कौन सी आज़ादी चाहिए इन्हें? नाज़रीन, आप बताएँ, अभी औरत आज़ाद नहीं है। औरत क्या चाहती है? अल्लाह पाक ने उसे पर्दा दिया है, अल्लाह पाक ने उसे इतनी इज्जत दी है, हैं नबी पाक के सदके औरत को इतनी इज्जत मिली है, तो ये अभी क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं ये? अभी क्या आज़ादी इन्हें दें? मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी, ये चाहती हैं बुरे काम करने, उल्टे सीधे काम करने? तो नाज़रीन, ये बहुत ही बुरी बात है। ये वही बाहर निकलती हैं जो अपने माँ बाप की गंदी औलादे हैं, और जिनका कोई आगे कोई नहीं है और ना ही पीछे है। ये यहूदी नसारा की पैरोकार हैं, ये मुसलमान नहीं हो सकती। मुसलमान ख़वातीन इस तरह नहीं करती, उन्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल है, उन्हें अपने माँ बाप की इज़्ज़त का, अपने बड़ों की इज़्ज़त का ख्याल है। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल को दबा दें, और वीडियो को लाइक करना मत।